जो मीटर है ना भाई, ये देखो तो गाइस अभी हम नहा के तैयार हो गए डॉलर जोन के साथ। क्या 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 चल तैयार हो जा, तेरे को सुपर बाइक दिलाने। क्या बात, मजाक कर रही हो क्या? मजाक तेरा, मेरा सामान है, है? ओ गोप्रो लगा के हेलमेट भी रेडी है मेरा, आप दिलाओगी सुपर बाइक? और क्या तेरे लिए? भाई क्यों प्रैंक कर रही हो सुबह सुबह, मैं तो नहा के निकला था ऐसी है। चल हाँ, मैं अरे रहने दो यार, क्यों मजाक कर रही हो? मेरे को ऐसे मजाक नहीं कर रही, पागल है ना, तेरे को शौक है ना। देख लो मेरे साथ प्रैंक हो, अच्छा नहीं होगा। अरे प्रैंक नहीं है, तेरी एक बिक गई है यार, मुझे हकीकत में दिल से बुरा लगता है ना कि देख अभी तूने बुरा और आपको आप 10 लोगों को बुरा लगवा दो। चलो 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 चलो, कहां तेरे लिए गिफ्ट लाया, उससे पहले तेरे को एक आधी चीज दिखा देते हैं, तो कुछ और पसंद आया तो वो ले लेंगे तेरे लिए। सही में सुपर बाइक लेने जा रहे हैं क्या? और क्या, हमने ना पहले सोचा था तुमने हमारी खातिर लेने के लिए तो बाइक बेची, तो हमारा भी तो बनता है ना। भैया कितने अच्छे हैं मेरे घर वाले, भैया प्लम्बर भैया, इनके मुंह पे मार दो ये पाना। चलो चलते, चलो भाई चलते हैं गाड़ी में भाई, 000 से दिल्ली में आजकल ये सफाई चल रही है पूरी, वहाँ से भी देखो तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के ये मेजर लिए जा रहे हैं दिल्ली में, हर जगह ये करा जा रहा है। वो अखबार पढ़ रहा है वो हमारी गाड़ी में भी आ गई। तो जस्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं, कहाँ चल रहे हैं अपन? वही रॉबिन भाई पे, रॉबिन भाई पे चल रहे हैं सुपर बाइक लेने। चलो देखते हैं वो कौन सी सुपर बाइक लेंगे जो तेरे को पसंद, कौन सी दिला रही है वैसे अम्मी, ट्राई करके तुझे कौन सी पसंद आती है फिर हम अपनी चॉइस बताएंगे। चलो देखते हैं वहाँ पे ना, तेरी मेरी चॉइस मैच कर रही है नहीं कर रही, जो हमने लिया उससे मैच कर रही है कि नहीं उनमें। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बाइक फैक्ट्री पे बाइक देखने, तो मम्मी बाइक कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है मेरे को देख के। तो ये रॉबिन भैया, कैसे हो रॉबिन भैया? हाँ भैया हम बाइक लेने आए, गौरव की पसंद की कोई बढ़िया सी बाइक जो लगे कि उस पर सूट कर दी हो। अब पूसा की बात तो यही समझ आती है, यही समझ आती है। अरे आपका इतना बजट नहीं होगा मम्मी यार। फी कितने की होगी रॉबिन भैया? 22। क्या आप बात कर रहे हो, ओनली 22? क्या क्या फीचर है एक बार समझा दो। गौरव भैया फीचर इसमें बहुत सारे हैं, हाँ पहली बात तो 4 सिलेंडर तो हमने चलाई दी है, 6 सिलेंडर है, हायबुसा 4 सिलेंडर है। साइज बड़ा होने के बाद थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम होती है कि यार इसको बैक कैसे करेगा, तो इसमें रिवर्स गियर है। अच्छा क्या बात है भाई, देखो कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट, तो पूरी गाड़ी है। इसका जो मीटर है रॉबिन भैया काफी अच्छा है ये, हाँ जी डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों है, हाँ इसकी विंड्स के वो एडजस्टेबल है। ये ओरिजिनल बाइक कितने की आती है शोरूम में? अभी आ रही है 35 लाख। तो भाई ये देखो भाई, यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ भी स्टोरेज है और उस साइड सेम स्टोरेज है। तो ये ऑक्स लगी हुई है, कंपनी की है। अच्छा ये देखो यहाँ से पूरा ये है। ओ तो अभी बाइक स्टार्ट हो गया, चला रहे हैं भाई, ये मजा आ रहा भाई, क्या स्पीकर है भाई, एक नंबर बाइक काफी बढ़िया है यार, मजा आ गया। वाओ तो अभी रिवर्स करके दिखाएंगे यहाँ से, क्या बात है, ये रिवर्स मोड भी है इसमें। अभी मम्मी मेरे को ये भी पसंद आ रही है, ये दोनों बाइक सेम है रॉबिन भैया? ओहो तो ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, कौन से है? ये स्टॉक तो कंपनी से आता है भैया, इसके जो पैर रखते हैं ना गाइस, हम यहाँ रखते हैं पैर आगे और थोड़ा ऐसे करके चलते हैं, थोड़ा क्रूज करने वाली बाइक है ये, कुछ ऐसी लग रही है यहाँ पे बैठने के बाद। यहाँ पे आपको पूरा मीटर दिख जाएगा, फेड वो है। तो ये क्या है भैया, इंट्रूडर है मेरे ख्याल से सलमान खान वाली। तो एक बार भैया कौन सा मॉडल? गौरव भैया बहुत ही सस्ती दे दूंगा बाइक आपको, बहुत ही सस्ती दे दूंगा। कितने की बाइक ये मैं आपको दे दूंगा? 7 लाख। क्या बात कर रहे हो, अरे भाई 7 लाख में कितने सीसी है? 1800। कुछ ऐसी लग रही है भाई बाइक, और ये मेरे ख्याल से किसी सिंह पाजी ने रखी हुई है, तो इसको पूरा लोगो लगा रखा है। इसका टायर देखो भाई, मेरे हाथ से भी ज्यादा चौड़ा है यार,
देख रही हो मम्मी मेरे हाथ से भी ज्यादा चौड़ा। तो भाई बाइक तो मैंने यार बहुत सारी देख ली, बट रॉबिन भैया मेरा मन है थोड़ा यार सुपर बाइक लेने का, मेरा मन मानसा नहीं रहा यार अभी। ठीक है सुपर बाइक दिखाते हैं। है वो भी है? बिल्कुल है यार, इनमें तो दिख नहीं रही मेरे को। दूसरे शो में दिखेगी ना। अच्छा दूसरा भी स्टोर खरीद लिया क्या? अरे क्या बात है। तो अब भाई सुपर बाइक्स मेरे सामने खड़ी हैं और वो ये रही भाई, इनपे तीन सुपर बाइक है मम्मी। तो रॉबिन भैया ये कौन सी बाइक है, कितनी चली है? डुकाटी 959 15,000 चली है। अच्छा बाइक बहुत ही साफ है, बहुत ज्यादा ही साफ है। स्टॉक ये कैसी लगी मम्मी? अच्छी है ये भी। तो ये देखो फ्रंट से कुछ ऐसी लाइट है भाई, एक नंबर लग रही है भाई बाइक, मेरा तो मन आ गया मम्मी इस पे रेड कलर। दूसरी बाइक अपन पे ये है, टेनार है मेरे ख्याल से। अच्छा इनमें फर्क क्या है आर में? बेसिकली ये CBU बाइक है और इसकी की भी डिफरेंट आती है। अच्छा नॉर्मली कभी कभी लोग ना इसे विंटर एडिशन समझ लेते हैं, विंटर एडिशन नहीं है ये, 10RR है। इसके जो इंजन के पार्ट है ना वो मैक्सिमम टाइटेनियम के है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट कम है इसका नॉर्मल 10R से। ये भी ट्रैक पर्पस से है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाहर निकलवाओ उसको है मम्मी। तो एक भाई है ये अपने लेके आया हार्ले, तो भाई मम्मी को तो ये वाली हार्ले पसंद आई है। मम्मी देखो गर्म होगी नीचे से बाइक चला गया है। क्या बाइक बना रखी है भाई भाई ने, ये म्यूजिक भी है, ये पीछे स्टोरेज भी है। ये देखो पीछे जो बैठता हूँ मैं उसको ऐसा लगा और सोफे पे बैठा हूँ मैं। ये देखो 8 ग्रिप्स और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे फीचर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये की है मम्मी हार्ले की। हाँ और यहाँ से ऑन होती है, ये लिखा है घर को। ओह ये बड़ी चीज क्लासिक है मम्मी। ओरिजिनल कितने की होगी मतलब बाइक ये कंपनी से? गौरव भैया अभी जो CBU आ रही है 60 लाख की आ रही है। क्या बात कर रहे हो, अगर भाई जिस पे पैसा है ना भाई वो ऐसे मोल दे सकता है। ये भाई ट्रेंड अभी बाहर इंडिया के बाहर बहुत चलती है। तो भाई ये आ गई अपनी बाइक, इसकी टेस्ट राइड लेते हैं, अगर समझ आई तो फिर लेते हैं ये भी। तो भाई कुछ ऐसा ही है, ये मीटर बड़ा सही है इसका, तो अभी चलते हैं। भाई बाइक तो एक नंबर लग रही है भाई, ये देखो। ओ भाई पूरी हायाबूसा वाली फील आ गई मेरे को तो दोबारा से बॉस। भाई ये बाइक ना बहुत लाइट है बॉस, हायाबूसा थोड़ी हैवी थी। इसका जो मीटर है ना भाई ये देखो, ओहो मजा आ गया भाई, सारे लोग देख रहे हैं भाई, मजा आ गया बहुत। और ये वाले जा रहे हैं हार्ले वाले भैया, एक नंबर बाइक लग रही है इनकी, ये देखो। तो गाइस बड़ी असमंजस में फंस गए, हमारे में लड़ाई हो रही है। आपको कौन सी पसंद है? मैं ना करिए ये पसंद है ना, और तू ना करिए 10RR, ठीक है? मैं मान ही नहीं सकता यार 22 लाख की बाइक कैसे दिला दोगे आप? डिसाइड करते हैं कि है ना क्या लेना चाहिए। तो मम्मी को ये पसंद आई है, मेरे को आई है 10R, वो जो बाहर खड़ी है 10RR, सॉरी वो जो बाहर खड़ी है इसकी टेस्ट राइड ली। बताओ मजाक तो नहीं कर रही, दिला रही हो? वो आगे पता चलेगा, अभी घर चल के डिसाइड कर लेते हैं। पक्का ये दिला दोगे आप? मेरे को लगता ही नहीं है भाई, मैंने भी जीवन भर कुछ करा है तेरे लिए कि नहीं करा। तो गाइज अभी क्या है कंफ्यूजन, हमने ये डिसाइड करा है कि दो बाइक है, एक वो 10RR और एक BMW, ठीक है? तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अपने को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, फिर अपन वो लेंगे, क्योंकि ना अभी हम दोनों कंफ्यूज है। तो अभी भाई ने एक और Isuzu तैयार कराई है, तो वो देख के आते हैं Isuzu कैसी तैयार कराई है इन्होंने, फिर अपन जाएंगे संडे राइड पे। जी अभी हम जा रहे हैं Isuzu में, कैसी लगी हमें Isuzu? लगी नहीं ना कि हम 1,80,000 चली हुई है यार मैम, गाड़ी लग रही है। अब इनकी Isuzu देखते हैं कैसी है। मम्मी कितनी उठी हुई है आपके सर तक आ रहा है ये तो, एक नंबर लग रही है गाड़ी। तो ये है भाई नई Isuzu रॉबिन भाई की। तो भाई ये लुक आ रहा है Isuzu का, आगे बहुत काम हो रखा है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब मैंने थार नहीं ली थी ना मैं ये वाली Isuzu ले रहा था, बट रॉबिन भाई ने ही बोला ले ले गौरव ले ले यार क्या करेगा, बट मैंने कहा नहीं यार अब मैंने थार की बोला है तो थार लेनी पड़ेगी। फिर रॉबिन भैया ने ये ले ली, मैंने थार ले ली। अभी टायर अलॉयज भी ओरिजिनल है मेरे ख्याल से, फ्यूल के ये भी ओरिजिनल है और लिफ्ट किट लगी हुई है इसमें, देखो गोल्डन कलर की येलो रंग की आयरन मैन की है। तो अभी इसका इंटीरियर चेक करते, ओहो ब्लैक और रेड की फिनिशिंग गजब। तो ये इन्होंने पूरा बनवाया अभी इंटीरियर पूरी। यार रॉबिन भैया एक नंबर लग रही है यार, रूफ भी ब्लैक करा ली तुमने, पिलर भी ब्लैक है अभी। तो अभी ये कितनी चली हुई है वैसे?
ये चली हुई है 80,000 और अच्छी है ये। वो जो पुरानी थार बेचने के बाद मैं अभी ऐसी लूंगा कुछ, हो सके तो शायद यही ले लूंगा, मैं छीन लूंगा इनसे। तो गाइस एक बार आप कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये सुजुकी ट्रक, ये अपने को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो भाई हैवी ड्यूटी, ये देखो भाई चीज तो भाई हैवी ड्यूटी है, मजा आ गया भाई। तो भाई बहुत हैवी ड्यूटी है और देखो भाई ऐसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ मैं। ओहो भाई ये बहुत चीज सही है और ये बहुत महंगा है गाइस। ये जो बम्पर है पीछे का पूरा लोहे का और ये इन्होंने हार्ले की लाइट्स लगा दी है, देखो ओरिजिनल हार्ले की है ना। तो भाई मैं तो हमेशा हर बाइक अपनी लेता हूँ बाइक फैक्ट्री से, अगर किसी और को लेनी होगी तो बाइक फैक्ट्री आ जाए। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो पॉलिसी होगी ये वो भाई ये बताएंगे। बाइक बैक बाई बैक भी पॉलिसी इनके पास बहुत सारी हैं तो वो इन पे आना, सारी बाइकें अवेलेबल। अगर आपको जो यहाँ नहीं है मान लो हायाबुसा या H2V चाहिए तो ये अवेलेबल करा के दे देंगे, ऐसी बात नहीं। बाइक खरीदने का एक्सपीरियंस और बाइक वापस बेचने का एक्सपीरियंस आप गौरव भाई की पुरानी वीडियो में देख सकते हो। सही बात है भाई। अभी हम जा रहे हैं ग्रफ फेस्ट, VIP एंट्री है क्योंकि मेरे दोस्त लोग ही ऑर्गेनाइजर हैं ग्रफ फेस्ट के, वो ही लगा रहे हैं उनका पैसा है। तो अभी उन्होंने अपने को पास भिजवाया, दिखा दो क्या क्या पास है। तो भाई एक तो अपना VIP एंट्री का पास है 456 और ये ग्रफ फेस्ट का है ये VIP और अपने को मिले हैं दो बैंड, ये VIP बैंड है दो बैंड। देखते हैं भाई ग्रफ फेस्ट कैसा, आज इमरान खान आ रहा है तो इमरान खान के साथ भी ब्लॉग बना लेंगे आज अपन। तो कल भी एक सिंगर आ रहे हैं वो भी देखते हैं कौन से आ रहे हैं। तो भाई भीड़ तो बहुत तगड़ी है, वो पीछे तक क्या बिना कपड़े के, क्या बिना कपड़ा के सारी लड़कियां तो जा रही है। आपको क्या दर्द हो रहा है भाई, इतनी ठंड पड़ती है ना, इतनी लड़कियों के कपड़े छोटे होते जाएंगे। क्या क्या एक ने लाइट जला रखी है, एक लिपस्टिक लगा रही है, देख ग्लॉसी लग रहा है बिल्कुल। लड़कियां भी अलग ही हैं यार, इतना मेकअप करना क्यों, मुझे तो समझ नहीं आता। नहीं ओह ये पीगम भी भाई, तो ये जा रहे अपने घर, तो ये अपने को मिल गए हैं गेट पे ही, तो ये अपने को ले जा रहे। भीड़ बहुत है लेकिन, अरे बहुत जबरदस्त रास्ता, पूरा बाहर जाम आधे घंटे में खड़ा रहा। तो अभी आज कौन आए, इमरान खान आएगा मेरे ख्याल से, इमरान खान है और पहले तो आप आए हो, एक अलग ही सेलिब्रिटी है। अरे बस प्यार है जी भाइयों का। और वो कितने बजे आएंगे इमरान खान जी? इमरान जी अभी बस वहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा वैनिटी वैन खड़ी तो है उनकी। तो ये देखो भाई लैम्बो वैम्बो भी आई है भाई VIP में, एक नंबर बढ़िया लग रही है भाई। तो ये देखो भाई सारे VIP एक्सेसरीज, ये सारे एक से एक लोग हैं। तो भाई ये रहा अंदर, VIP लॉन्ज भी है यहाँ पे भाई, आ जाओ अंदर चलते हैं। अभी हम अंदर आ गए, तो ये भाई पूरा VIP एरिया। गाइस अभी मैं आ गया हूँ अंदर और ये पूरा ये VIP है पूरा ये वाला, और सामने बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है ये देखो भीड़। और ये आ गई मनीषा अपनी, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया यार, अभी दोस्त ने मेरे को इनवाइट करा, उसने पासिस दिए, कह रहा भाई आ जाओ, मैंने चलो भाई चलते हैं। जा रहे इमरान खान पे वफा निकली है, तो और ये एम्पलीफायर मेरा फेवरेट सिंगर है भाई, बच्चे चलते हैं भाई, सब खत्म हो लिया है, आ जाओ। सही था, अच्छा था, बस ज्यादा गाने नहीं गए, 5-6 गाने गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा था, है ना? बहुत क्राउड था। चलो भाई लैम्बोर्गिनी नहीं खोलो, चलते हैं यार, लेट हो रहे हैं। यार ड्राइवर नहीं है। मजाक कर रहा हूं यार। अब जा रहे हैं हम घर वापस, और भाई इसमें अभी भी चल रहा है भाई, बट अपने वो काम था भाई, वीडियो एडिट करनी है, करीब बाद में घर भी चलाना बहुत। ये रहा स्टेज, वो दिख रहा स्टेज,
और गाड़ियाँ देखो भाई कितनी फ्लाईओवर तक है भाई, इमरान खान के तो बहुत फैन है भाई। तो अभी ये मेरे को छोड़ने जा रही है घर है, क्योंकि अक्षत आते वक्त मेरे को छोड़ गया था और ये मेरे को छोड़ के घर निकली है। मत रखा करो दीदी मेरा इतना ध्यान। तो अभी हम आ गए घर, तो गाइस फटाफट से कमेंट कर दो कौन सी सुपर बाइक अपने को लेनी चाहिए, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करने आदि बेल को ऑप्शन जरूर दबा दो, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो कल का व्लॉग जरूर देखना भाई कौन सी बाइक लेनी है।